रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुगांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी। यूक्रेन और रूस के तनाव पर दुनिया चिंतित। यूक्रेन दो क्षेत्रों के देश में रूप में मान्यता देने वाले रूस के ऐलान के बाद संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक जारी है और इसमें भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, चिंता जताई है। यूएनएससी ने भारत ने यूक्रेन के मसले पर बयान दिया, कहा यूक्रेन सीमा पर विवाद बढ़ना चिंता की बात है। यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और भारतीय रहते हैं, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। भारत ने आगे कहा कि भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा पर जोर देता है, उम्मीद जताई गई है कि यह जल्द विवाद निपट जाएगा। यूएनएससी की मीटिंग में ब्रिटेन ने कहा कि रूस को अपना फैसला वापस लेना होगा और बातचीत करनी चाहिए, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रूस के फैसले पर अमेरिका ने जताई चिंता और नाराजगी, कहा रूस का फैसला अखंडता और संप्रभुता को चुनौती है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यूक्रेन बॉर्डर से 2 मील दूरी पर तैनात हुए व्लादिमीर पुतिन के टर्मिनेटर टैंक, अमेरिका ने चिताया अगर युद्ध हुआ तो होगा सामूहिक नरसंहार। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने राष्ट्र को किया संबोधित, कहा यूक्रेन किसी से डरता नहीं है, उन्हें यूरोपीय देशों से स्पष्ट समर्थन की उम्मीद जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर से रूस को दी चेतावनी, कहा अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो भारी प्रतिबंध के लिए तैयार रहे। पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क के मान्यता पर फ्रांस जर्मनी चिंतित है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और जर्मनी चांसलर ओलाफ सोल्स ने नाराजगी जताई। पीएम मोदी आज मणिपुर में करेंगे चुनावी जनसभा, पहले चरण के लिए 28 फरवरी को होना है मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी इम्फाल के पास रैली को संबोधित करेंगे और राज्य के सीएम एन वीरेंद्र सिंह, सीनियर मंत्री और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज यूपी के बहराइच में करेंगे चुनावी जनसभा, रैली में 13 विधानसभाओं के उम्मीदवार भी होंगे शामिल। इनायतनगर, मिल्कीपुर, अयोध्या में जनसभा करेंगे सीएम योगी, गोंडा और बाराबंकी में बीजेपी के विकास का हवाला देंगे और मांगेंगे वोट। बीजेपी के सीनियर नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिकंदरपुर में और बलिया में चुनावी रैली करेंगे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बोलेंगे हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के देवरिया और बलिया में करेंगे जनसभा, बीजेपी के सुशासन और डबल इंजन की सरकार के लिए मांगेंगे वोट। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे, प्रयागराज और चित्रकूट में बीजेपी पर साधेंगे निशाना। अखिलेश यादव आज कौशाम्बी में भी जनसभा करेंगे और पार्टी उम्मीदवार पल्लवी पटेल के समर्थन में लोगों से वोट मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल सुल्तानपुर और रायबरेली में करेंगे रैली, बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहराइच की बयागपुर में चुनावी जनसभा करेंगे, निशाने पर होगी बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गोंडा में आज करेंगे जनसभा, आप उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की करेंगे अपील। मुंबई में कोरोना बीते 24 घंटे में उसका कहर थमता दिख रहा है, 96 नए मामले सामने आए, 88 लोग रिकवर हुए और एक के मरने की खबर है। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 144 नए मामले सामने आए, 432 मरीज ठीक हुए जबकि एक की मौत और राज्य में अभी भी 1630 सक्रिय मामले हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बन रहे इंडोर स्टेडियम के काम का लिया जायजा, स्टेडियम के कार में लगे लोगों के साथ खिंचवाई तस्वीर। विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है सरकार, फॉर्मूले पर हो रहा है काम।